अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हमारे पास ये होंडा की मोटरसाइकिल आई है, होंडा CB 150 आई है एफ। तो CB 150 F मोटरसाइकिल आई है हमारे पास। तो आज इसकी ट्यूनिंग करेंगे। ट्यूनिंग में इसकी सीट, टैंकी और साइड कवर लाजमी खुलते हैं। सीट के नीचे, टैंकी के नीचे ये ग्रिप है फ्यूल टैंक का। तो जो फ्यूल मीटर होता है उसका ये ग्रिप है। ये ग्रिप मतलब निकाल लें आप, निकाल के साइड पे टैंकी रख दें। साइड पे टैंकी रखने के बाद आपने क्लच में ऑयलिंग वगैरह करनी है, क्लच तार में, क्लच तार में ऑयलिंग और ये सब कुछ करना है। तो आज जुम्मे का दिन है, तो सबसे पहले तो आपको जुम्मा मुबारक कहता हूँ। दो चार दिन के बाद वैसे बकरा ईद है, तो आपने इस तरह से ये करने है, टैंकी वगैरह और मतलब साइड कवर और ये सीट उतार लेनी है। क्लच में ऑयलिंग करना है, आगे पीछे की ब्रेक और ये चीज़ें मतलब डिस्क ब्रेक वगैरह ये चेक कर लें। इसके बाद आपने फ़िल्टर बॉक्स है, फ़िल्टर बॉक्स आपने इस तरह से खोलना है ऊपर साइड से, जहाँ पर सीट हमारी लगी होती है तो यहाँ से मतलब फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर बॉक्स में होता है ये। आपने ये फ़िल्टर का कवर खोलना है। ये कवर खोल के आपने क्या करना है कि फ़िल्टर निकालना है। फ़िल्टर में मतलब कपड़ा और ये हवा वगैरह लगानी है। बैटरी अगर पानी वाली हो तो, बैटरी पानी वाली हो तो ये चीज़ें चेक कर लें, क्लच इस तरह से चेक कर लें और प्लग वगैरह खोल के देख लें। तो सारी मतलब चीज़ें आप चेक कर लें, कॉइल्स वगैरह, CDI के ग्रिप में मतलब कार्बन वगैरह आ जाते तो ये भी चीज़ें आप चेक कर लें। तो इंशाल्लाह गाड़ी मतलब पिकअप भी अच्छा होगा और इसके टैबिट भी आपको टाइट करके दिखाएंगे किस तरह से टाइट होते हैं। तो ये देखें, फ़िल्टर बॉक्स मतलब निकाल लिया हमने और ये फ़िल्टर भी निकालते हैं। और इसमें काफ़ी कचरा वगैरह होगा फ़िल्टर में भी, तो फ़िल्टर को हवा वगैरह लगाते हैं। फ़िल्टर को हवा लगा के हमने फिटिंग करनी है। तो इस तरह से इसे झाड़ना है और ये देखें सारा कचरा मतलब ये देखें मिट्टी डस्ट वगैरह हो रही है। तो आपने ये चीज़ें सेट करनी है। इसके बाद आपने मतलब अगर आपके पास कंप्रेसर है, कंप्रेसर से हवा लगा लें। कंप्रेसर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इस तरह से झाड़ लें आप तो भी सेट हो जाता है। बस आपने डस्ट निकालनी है। अगर ज़्यादा ख़राब है तो आपने न्यू लगा देना। वैसे न्यू लगाने की ज़्यादातर ज़रूरत तो नहीं होती अगर टाइम पे ट्यूनिंग की जाए तो, 5-6 महीने के बाद या जैसे साल दो साल के बाद कीजिए तो फिर तो न्यू ही लगेगा। तो ये कार्बोरेटर के जो मतलब क्लिप हैं, क्लिप्स हमने खोलने हैं, चार मुख का जो क्लिप्स हैं, स्क्रू लगा होता है चार मुख का, वो आपने पेचकस की मदद से खोल लेना है। और इसका प्लग भी आपने चेक करना है। तो ये देखें प्लग मैं सही बता रहा है हमारा, मतलब कि जो पेट्रोल की एवरेज है वो सही बता रहा है, ज़्यादा मतलब नहीं हो रही हमारी पेट्रोल, मतलब सही ले रहा है हमारा प्लग। और प्लग चेक कर लें कि शॉर्ट तो नहीं है, ये चीज़ें आप देख चेक करें प्लग का पेट्रोल एवरेज, मतलब ज़्यादा ब्लैक होता है तो वो पेट्रोल ज़्यादा पी रहा होता है, तो ये चीज़ें आप लाजमी चेक करें। वैसे न्यू बाइक है ये, इसमें ज़्यादा कोई मसला आता नहीं है। टैबिट वैसे ज़्यादातर इसके ढीले नहीं होते, ना ही ज़्यादा टाइट होते हैं, तो आपने ये लाजमी वैसे चेक करना है। आपने कार्बोरेटर के जो ऊपर स्लाइड पिन होती है, स्लाइड पिन का एक स्क्रू होती है, स्क्रू खोलें, स्लाइड पिन इस तरह से बाहर निकालें। जैसे 1-5 में कार्बोरेटर तो ये सेम मतलब कुछ उस तरह का ही है, तो आपने ये कार्बोरेटर इस तरह से बाहर निकालना है। तो और ये देख लें कि जो स्लाइड पिन है इसकी, ये स्लाइड पिन कटी भी ना हो। जब ये स्लाइड पिन कट जाती है तो उसकी वजह से पेट्रोल ज़्यादा पीने लगती है मोटरसाइकिल। और ये चीज़ें चेक करें आप कि मतलब हमारे स्लो में मोटरसाइकिल नहीं आ रही होती और ये चीज़ें एग्जॉक्स यहाँ से जा रही होती है, ये चीज़ें आप लाजमी चेक करें। तो आपने ये चार मुख का जब स्क्रू खोल लेना है, खोलने के बाद आपने बैक साइड पर कार्बोरेटर थोड़ा सा मतलब धकेलना है और कार्बोरेटर बाहर आ जाएगा इस तरह से हल्का हल्का। ये देखें जिस तरह से मैं मूव कर रहा हूँ पीछे, तो ये बाहर आ जाता है हल्का सा। ये पीछे मतलब आहिस्ते सा मूव करते जाएँ, ज़्यादा जोर ना लगाएं, प्यार मोहब्बत से आपने इस तरह से देखें आराम आराम से। और इसकी चोक है, चोक का मतलब ध्यान रखें, ख्याल रखें कि चोक कहीं टूट ना जाए, यहाँ चेजेस में फंस गया चोक टूट जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली आपने इस तरह से बाहर निकालना है इसे। ये देखिए ये बाहर आ चुका है, और इसका ये दोनों एग्जॉक्स का भी और पेट्रोल का पाइप निकाल दें ताकि इसमें फंसे ना। तो ये पाइप निकालने के बाद आपने कार्बोरेटर, ये देखिए अंदर से काफ़ी ब्लैक हो चुका है, मतलब काफ़ी अर्सा हो गया ट्यूनिंग में, ट्यूनिंग को काफ़ी अर्सा हो चुका है। ये देखें सारा कार्बन मतलब इस तरह से हुआ हुआ है। तो आपने ये निकालना, निकाल के आपने कार्बोरेटर वगैरह वॉश किए करना है, वॉश कर लेते हैं। और ये जब आपने टॉप पे रखना हो तो यहाँ से आप टॉप पे रखें, बेस्ट है यहाँ से। अगर यहाँ से नहीं तो प्लग की साइड से भी आप रख सकते हैं टॉप पे, तो प्लग की साइड से भी आप टॉप पे रख सकते हैं, वहाँ से भी कोई मसला नहीं है।
और इसके बाद इसका जो टॉप कवर है 10 के बोल्ट लगे होते हैं, 10 mm के बोल्ट लगे होते हैं, तो आपने ये खोल लेने हैं। खोल के आपने इसके डेविट वगैरह आपने सेट करने हैं। तो इस तरह से फ़िल्टर में आपने हवा लगानी है, फ़िल्टर में हवा लगा दी, इसके बाद फ़िल्टर फिट कर दें। इस तरह से सीधी साइड जो है इस तरह से आएगी, सीधी साइड इस तरह से फिट करके आपने फ़िल्टर बॉक्स लगा दें, फ़िल्टर का कवर। अब कार्बोरेटर हम वॉश करते हैं, कार्बोरेटर ओपन करते हैं। ये चार मुँह के मतलब चार अदद स्क्रू होंगे, वहाँ आपने खोलने, खोल के अच्छी तरीके से इसे वॉश करना है। सारे खोले इस तरह से वॉश करके सारे ढीले किया इस तरह से मतलब चार मुँह के स्क्रू खोल के। तो ये स्क्रू मतलब आपने इस तरह से खोल लिए। खोलने के बाद आपने क्या करना है, वॉश वगैरह मतलब करके अच्छे तरीके से, जेट वगैरह, जेट के अंदर मतलब कचरा वगैरह ये चीज़ें जेट बंद भी हो सकते हैं, तो इसके पेट्रोल की मदद से भी खुल सकते हैं। अगर नहीं खुलें तो आपने कोई पतली सी बारीक सी कोई तार वगैरह ले लेनी है, एक्सीलेटर वायर वायर्स वगैरह ले लेनी है, उससे मतलब जेट का जो सुराख है वो खोल लें आप, क्योंकि जेट के सुराख बंद होते हैं, उस वजह से काफ़ी बाइक मिसिंग या स्लो वगैरह में नहीं आती। तो आपने ये फ्लूट स्पिन वगैरह देखनी है, इसके जेट भी खोलने हैं, फ्लूट निकाल लेने हैं, ये चीज़ें आप लाजमी चेक कर लें। तो ये देखिए ये फ्लूट पिन है, फ्लूट पिन आप चेक करें कि फ्लूट पिन ठीक है कि नहीं, तो फ्लूट पिन कटी हुई ना हो, तो ये हमारी फ्लूट पिन कटी हुई नहीं है, फ्लूट पिन मतलब हमारी सही है, इसमें कोई मसला नहीं है, जेट नहीं है। तो हमने जेट खोलने हैं, बड़ा जेट प्लास की मदद से खुल जाता है, वैसे छोटा जेट तो एक मुँह के पेचकस से ही खुलता है, अगर एक मुँह के पेचकस से ना खुले तो प्लास की मदद से भी खोल सकते हैं आप, इसमें कोई इशू नहीं है, बस आपने खोलना है और इसे वॉश करना है। इतना सब तो आपको माशाल्लाह पता ही होगा। आप घर में भी ट्यूनिंग कर सकते हैं इसे, मतलब जो आजकल न्यू मैकेनिक हैं या मतलब जिनके पास बाइक नहीं है अब तक ट्यूनिंग के लिए, तो वो इसमें मतलब हेल्प ले सकते हैं। मेरी वीडियो लंबी तो होती है लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज़ वाजे बता देता हूँ कि ये चीज़ होती है। तो इस तरह से आपने छोटा जो स्लो का जेट होता है, वैसे जेट दोनों पेट्रोल के होते हैं, ज़्यादातर कोई कहता है एक एग्जॉक्स का होता है एक पेट्रोल का, तो नहीं दोनों पेट्रोल के ही होते हैं। ये स्लो जेट होता है जब हम रेस दे रहे होते हैं ना, जब मतलब टॉप स्पीड पर रेस दे रहे होते हैं, बड़े जेट से ज़्यादा पेट्रोल मतलब खारिज होकर जा रहा होता है, तो बड़े जेट से पेट्रोल जाता है अंदर की तरफ मतलब हेड की तरफ, और इस तरह से मतलब हमारा मोटरसाइकिल अच्छे पिकअप में आता है। तो आपने ये चीज़ें लाजमी देखनी है, ये चीज़ें काफ़ी मैकेनिक्स को नहीं पता होती, और मतलब बस काम का पता होता है, मतलब थ्योरी का नहीं पता होता। तो ये चीज़ें लाजमी मतलब छोटी छोटी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें मालूम नहीं होती। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से दांत वाला जो ब्रश है वो मतलब वॉश करना है, इस तरह से दांत वाले ब्रश से आपने वॉश करने से मिट्टी डस्ट वगैरह जो भी है कार्बन आपने उतार लेना है अंदर से, बाहर से जेट वगैरह आपने धो लेने हैं। इस तरह से धोने के बाद आपने जेट वगैरह ये धोने हैं, जेट में इस तरह से पेट्रोल लगाना है, पेट्रोल लगा के आपने प्लग वगैरह और इसके स्क्रू और इसकी जो मतलब फ्लूट पिन्स है, फ्लूट पिन आपने अच्छे तरीके से धो लेनी है। इसके बाद आपने फ़िटिंग करनी है, फ़िटिंग मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करनी है, कौन सा जेट कहाँ लगेगा और किस तरह से फ़िटिंग है, इसकी जो सेटिंग है वो सेटिंग में बता देता हूँ। तो इस तरह से आपने फिटिंग करनी है ये कार्बोरेटर की, साफ़ कपड़ा हो, तगारी हो, या तो कोई मतलब डब्बा वगैरह हो, गत्ता वगैरह हो, तो आपने उस पर रख लेना है कार्बोरेटर, क्योंकि धोने के बाद मट्टी पे तो नहीं रख सकते, नीचे तो नहीं रख सकते। कोई टेबल वगैरह हो तो टेबल नुमा कोई हो तो आपने उससे हेल्प करनी है। तो इस तरह से आपने छोटा जेट लगाना है, और ये देख लें पहले कि इसके सुराख वगैरह ठीक हैं कि नहीं, कहीं कचरा वगैरह तो नहीं फंसा हुआ पेट्रोल के सुराख में, जेटों के सुराखों में कोई चीज़ ना हो। तो इस तरह से आपने छोटा जेट लगाना है, एक मुँह की मदद से आपने टाइट कर लेना है। कोशिश करें कि आपका पेशकश साफ़ होना चाहिए, पेशकश के मुँह के ऊपर कचरा ना हो, अगर वहाँ कचरा होगा तो आप जब जेट मतलब टाइट करेंगे तो उसमें कचरा जाएगा। तो अच्छे तरीके से ये टाइट करें, टाइट करने के बाद बड़ा जेट लगाएं, बड़ा जेट लगाते हैं अच्छे तरीके से। तो इस तरह से हम कार्बोरेटर को वॉश करते हैं,
वॉश करके ना मतलब फिटिंग कर ली है हमने, फिटिंग करते हैं इसका जो मतलब बड़ा जेट है, छोटा जेट तो हमने एक मुझे पेशकश की मदद से टाइट कर लिया है। बड़ा जेट चेक कर लें कि खुला हुआ है कि नहीं, इसका जो सुराख वगैरह ये चीज़ें आप चेक कर लें। इसके बाद आप टाइट करें प्लास की मदद से या इस तरह से मतलब कर लें, आप प्लास को साफ़ कर लें, प्लास में मतलब कचरा ना हो, कचरा लगा हुआ होता है तो आपने प्लास को अच्छे तरीके से साफ़ करके इस तरह से टाइट कर लेना, छोटा जो जेट है वो भी साफ कर टाइट कर लेना, टाइट करके पेट्रोल लगा दें इस तरह से। और इसके बाद आपने ये फ्लूट पिन और फ्लूट इसके बिठाने, इस तरह से फिटिंग करें आप ताकि अच्छे से फिटिंग हो, अच्छे से धुल जाए, इसके अंदर कचरा ना हो। और इस तरह से इसकी एक पिन आती है साइड पिन, तो साइड पिन आप ये लगा दें, इस तरह से इसमें फ्लूट चेक कर लें कि फंस तो नहीं रहे, जाम तो नहीं हो रहे अंदर, फ्लूट पिन जो होती है वो जाम हो जाती है। इसके बाद इसका एक कवर लगा दें, कार्बोरेटर कटोरी भी कहते हैं, कवर भी कहते हैं इसका। ये लगाने के बाद एक बार ये आप चेक कर लें कि भाई ये टाइट है कि नहीं, तो ये आप इस तरह से इसकी कटोरी लगा के चार मुझे जो पेशकश के स्क्रू हैं वो इस तरह से आप लगा दें, लगा के आप टाइट कर दें इसे। जब टाइट करें तो बिल्कुल सही तरीके से टाइट करें, चार मुख पेशकश की मदद से ना टाइट करें। स्क्रू निकाल रहा हूँ मैं, निकाल के फिर ना आप ये कर लें ताकि ना आपको कोई टेंशन ना हो। चारों स्क्रू इस तरह से टाइट करें और बराबर बराबर टाइट करें, तो आमने सामने यूँ टाइट करके ना आपने कर लेने हैं। तो ये चारों पेचकस चार स्क्रू इस तरह से टाइट करें पेचकस की मदद से, और इस तरह से आपने टाइट करने हैं अच्छी तरह से यूँ टाइट करके, फिर आपने ये लगा देने हैं। ये लगा के फिर उसके बाद क्या करना है, आपने फिटिंग करनी है। एक तरफ आपने क्या करना है, तसल्ली कर लेनी है कि ये टाइट है कि नहीं है। इस तरह से एक बार तसल्ली करके आपने फ़िटिंग करनी है, इस तरह से आपने दोबारा ये फ़िटिंग करनी है। इसके अंदर इसका जो होस पाइप है उसमें बिठाना है, कार्बोरेटर का जो एग्जॉक्स का पाइप होता है, फिल्टर बॉक्स का पाइप भी ऐसे वैसे क्या कहा जाता है इसे, आपने इस तरह से कार्बोरेटर इसके अंदर बिठाना है। और इसका जो मतलब कि चार मुख का स्क्रू है वो भी टाइट करना है, क्लिप का जो चार मुख का स्क्रू है वो टाइट करना है आपने। कार्बोरेटर आपने स्लोली स्लोली आपने बिठा देना है। तो ये देखें तरीके से बैठ गए, बैठने के बाद हमने इसके चार मुख के स्क्रू भी टाइट करना है, स्लाइड पिन, इसका जो एग्जॉस्ट का पाइप है वो भी लगाना है हमने, एयर का पाइप बोलते हैं, एयर का पाइप भी लगाना है। और इसके बाद आपने पेट्रोल का पाइप लगाना है, पेट्रोल का पाइप ये लगा के उसके बाद आपने ये फिटिंग करनी है, ये फिटिंग करनी है इस तरह से आपने। और इसके बाद हम टैबिट करते हैं, इसके टैबिट करके मैं आपको दिखाता हूँ एक महीने के बाद कि इस तरह से ये टाइट और कार्बोरेटर का जो पाइप है ये लगाना है। तो इस तरह से आपने ये जो पेट्रोल का पाइप है ये लगाना है, चार मुख के स्क्रू वगैरह टाइट कर लेना है, तो चार मुख के पेचकस की मदद से, स्क्रू ड्राइवर से भी मतलब स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, तो वैसे तो नाम तो अलग अलग ही कहते हैं सब। तो इस तरह से आपने ये टाइट करना है जाके ना दूसरा बिल्ड कर, बट अच्छे तरीके से ये आपने फुल टाइट कर लें ताकि यहाँ से एयर वगैरह मोटरसाइकिल ना ले। बस कर अब जा। जब आपने ये टाइट कर लेने हैं, और इस तरह इस साइड पे एक ये भी होता है स्क्रू, ये भी टाइट करना है, चार मुख के पेचकस की मदद से ये भी टाइट करना है आपने। तो ये टाइट करना है आपने अच्छे तरीके से। जावे बाहर जावे भड़वा। और इसकी जो स्लाइड पिन है आपने स्लाइड पिन बिठानी है। स्लाइड पिन किस तरह से बैठती है ये मैं बता दूं कि जो लंबी वाली झरी होती है बीच में, मतलब जो लंबी वाली झरी होती है वो मतलब इस साइड आती है, जिस साइड मतलब चौक होती है। मैं आपको यूँ बता दूं कि इसमें एक लंबी झरी होती है और एक छोटी सी झरी होती है। तो जो छोटी झरी होती है ना, हमारे जो कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट होती है पेट्रोल की, मतलब ये जो रेस की आरपीएम की एडजस्टमेंट होती है, छोटी वाली जो झरी होती है वो उसी साइड पे आती है। तो इस तरह से आपने ये टाइट करना है ताकि यहाँ से एयर भी ना ले और ये बाहर निकल भी ना जाए ना। तो आपने ये अच्छे तरीके से ये टाइट कर लेना है। इसका जो स्क्रू होता है ये तो स्लाइड पिन का ये स्क्रू होता है, ये आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। इसके बाद ये हमने टैबिट इसके सेट करने हैं, यहाँ से खोलें तो बेहतर है, ना खोलें कोई मसला नहीं, वहाँ प्लग से भी आप टॉप पे रख सकते हैं।
तो हमने ये मतलब कि 10 mm के बोल्ट होते हैं ये खोलने हैं, और प्लग मैंने वैसे तो खोल लिया था। प्लग खोलने के बाद हमने प्लग की साइड से भी इसे टॉप पे रख सकते हैं, प्लग की साइड से भी आप टॉप पे रख सकते हैं, और ये 10 mm के बोल्ट खोल लें। इसके बाद ये जो ऊपर एयर का पाइप नज़र आ रहा है आपको, ये भी आप खोल लें। 10 mm के यहाँ भी बोल्ट लगे होते हैं, ये भी आप खोल लें, ताकि ये टॉप कवर निकालने में बेहद आसानी हो जाए आपको, वरना मुश्किल पेश आती है। तो इस तरह से ये आपने ये खोलना है, दोनों बोल्ट आपने यूँ मतलब खोल लिए, हमने पूरा ये कवर बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद हम आपको ये टैबलेट दिखा दें। यहाँ से क्या करना है, आपने प्लग की जो साइट है हमने यहाँ से टॉप पे रखना है। कार ये जो पिस्टन है, पिस्टन ऊपर होता है, टॉप पे होता है, और टैबलेट हमारे मतलब कोई ज़्यादा टाइट भी हो सकते हैं, लूज भी हो सकते हैं दोनों। तो आपने दोनों फिलर गेज से कर लें तो बेहतर है, ना करें तो कोई मसला नहीं है। इसके वैसे टैबलेट तो जल्द मतलब टाइट नहीं होते, साल डेढ़ साल में अगर मतलब ट्यूनिंग ना करें तब जाके होता है। तो ये आपने क्या करना है, पेशकश यूँ अंदर डाल के पेशकश से चेक करें कि टॉप पर जो हमारा मतलब जो पिस्टन है वो टॉप पर है कि नहीं है। इस तरह से आपने पिस्टन को टॉप पे लाना है, टॉप पे लगा के आपने फिलर गेज की मदद से इसके टैबिट सेट करने हैं। किस तरह से सेट करने हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जो इनटेक का हमारे पास वो है टैबिट है, उसमें 8 mm का लगता है फिलर गेज ना, और जो हमारा सिलेंसर की साइड से आउटलेट का बोलते हैं और एग्जॉक्स का भी मतलब के बोलते हैं, तो इनटेक होता है और आउटलेट होता है। तो मतलब एक कार्बोरेटर की साइड पे होता है और एक होता है हमारा क्या कहते हैं सिलेंसर की साइड पे। सिलेंसर की साइड पर जो हमारा वो होता है उसमें 12 mm का फिलर गेज लगता है, और जो कार्बोरेटर की साइड पे तो 8 mm का। तो इस तरह से आपने ये दोनों मतलब के एडजस्टमेंट करने हैं, दोनों मतलब के टैबलेट की एडजस्टमेंट करना है इस तरह से। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई, तो लाइक क्या करें, सब्सक्राइब क्या करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो इसमें जो हमारे सिलेंसर की साइड पे टैबलेट है वो उसे हमने 12 mm की मदद से मतलब 12 mm का जो फिलर गेज है उससे मतलब हमने टाइट करना है, उस मतलब सेटिंग में ला के टाइट करना है। जो हमारा कार्बोरेटर की साइड पर है वो हमने 8 mm की मतलब फिलर गेज से टाइट करना है। इस तरह से दोनों आप मैंने दोनों की सेटिंग बता दी है, और दोनों को आप इस तरह से टाइट कर लें तो बेहतर है। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ इस तरह से टाइट करके आपने फुल मतलब वो कर देना है, हल्का सा हमने रखना है, और इस तरह से हमने 10 mm के बोल्ट से 10 mm के पाने से हमने टाइट कर देना है। ये देखिए आराम से अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, महीने मंथली में पता है कितना कमाता था। तो इस तरह से आपने टाइट करना है, टाइट करके अब जो कार्बोरेटर की साइड पर है हमने वो भी करना है, वो कर लेते हैं। वो काम ही कुछ ऐसा था कि अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती ना तो ये फुल टाइट कर लेना है, करके कार्बोरेटर की जो साइड पर है वो आपने चेक करना है, वो भी आप चेक कर लें। इंशाल्लाह दोनों की एडजस्टमेंट बराबर होनी चाहिए, ताकि ये बराबर हो, ज़्यादा लूज़ भी नहीं हो और ज़्यादा टाइट भी नहीं हो। तो इस तरह से फिलर गेज आराम से इजीली मतलब अंदर बाहर आ जाए। तो इस तरह से आपने ये लाजमी चेक करना है। इसकी जो टॉप होती है ये इस तरह से होता है, तो ये देखिए मैं आपको फिर भी चेक करा देता हूँ एक बार। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।